Will a woman take divorce if husband's penis size is small? Yes, this is a truth. After marriage, sexual satisfaction is very, very necessary for any woman. If husband's penis size is small, then she can go up to divorce. And if not, then her behavior become irritable. This is a truth. Today, from internet and from social media, the sexual expectations of any woman are at top. They want their husbands to be best in sex, and there is nothing wrong about it. Every woman wants her husband to be best man in the world. Listen this case study very carefully and understand this fact. Hello. Yes, sir. हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज प्रजापति है. क्या उम्र है सूरज आपकी? 20 से 22 साल. 20 से 22 साल. खड़ा होने के बाद क्या लंबाई है पेनिस की, ये बताओ. खड़े होने के बाद लंबाई मैंने आपको बताया ना, जैसे 4 उंगली अपने हाथ से और 3 टोटल मिला के 7 उंगली के बराबर है. 5 से 7 लगभग 4 इंच के आसपास है, 4 साढ़े 4 इंच के. जी सर, मैं इंच में इंच तो नहीं जानता हूँ और मोटाई में 2 उंगली के बराबर है. कोई बात नहीं, एक अंदाजा 4-5 इंच के बीच में है. अब ये बताओ क्या बोलती है वाइफ आपका? एक तो पेनिस का साइज छोटा है, ये बात बोल रहे थे ना आप? जी जी, वाइफ तो कुछ नहीं बोलती है. खड़ा होने के बाद क्या लंबाई है? अभी मेरे को ये बताओ, शादी को कितना टाइम हो चुका था तुम्हारी? शादी समझ लो 5 साल रुकी घर वाली मेरी. क्या बोली, मतलब तलाक किस वजह से हुआ तुम्हारा? तलाक इसी वजह से हुआ है सर. वो बोली कि संतुष्टि नहीं आ रही सेक्स में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, पर हमारा दिल ऐसा कहता है. कहने का मतलब, जो कहने का मतलब, अपने समाज के लोग होते हैं ना, लड़के लड़कियाँ, वो बोलते हैं कि आपने उसको डांट नहीं पाया है. ऐसा बोलते हैं. सही कहते हैं वो बिल्कुल. क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, औरत चाहे ना भी बोले, लेकिन भैया सच में संतुष्टि तो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में, हर कीमत पर. शादी के अंदर मर्द और औरत के बीच में यही सबसे ज्यादा मेन रिश्ता होता है, और अगर आप उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो ये बात तो डेफिनेट है, फिर तो चिड़चिड़ाहट आ जाती है. मतलब औरत ना गुस्सा खाने लग जाती है, ठीक है, और जब वो गुस्सा खाती है तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करेगी आपसे. जी जी सर, ऐसा ही होता था. ठीक है, वो सीधा सीधा तो नहीं बोलेगी कि मैं सेक्स में संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि औरतें शर्माती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली तुम्हारा खून पी जाएगी. जी सर, सही बोल रहे आप. सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? मतलब वो छोटी, चाहे तुम्हारी बात सही भी होगी ना, उसमें भी गलतियां निकालेगी तुम्हारे को. ऐसी बात कहने का मतलब, हमसे कभी खुश नहीं रहती थी वो. भाई खुश रहेगी नहीं वो किसी कीमत पे भी, चाहे तुम उसके लिए इतनी जान भी दे दोगे तो भी खुश नहीं रहेगी. 100 बात होगी, एक बात ये है, आप बात समझो, तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो.